बागेश्वर धाम सरकार को दी चुनौती तो हनुमान जी ने किया कुछ ऐसा चमत्कार जिसे देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बागेश्वर धाम के भरे दरबार में हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख सभी चकित रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और सब हनुमान जी का जयकारा लगाने लगे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा पर साक्षात हनुमान जी आए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बागेश्वर बाबा हनुमान जी के परम भक्त माने जाते हैं। उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और वे अपने साथ एक छोटी सी गदा भी रखते हैं। लेकिन आजकल बागेश्वर धाम सरकार विवादों में घिरे हुए हैं। उन पर नागपुर की एक संस्था ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। बागेश्वर धाम को चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने बाबा पर अनेकों आरोप लगाए हैं। तो क्या हनुमान जी अपने इस भक्त को मुसीबतों से निकालने आए थे? क्या है पूरी कहानी और आखिर क्या हुआ उस दिन बागेश्वर धाम दरबार में, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बागेश्वर धाम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बालाजी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। बात तब की है जब बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मुंबई में अपना दरबार लगाया हुआ था। वे मंच पर बैठे अनेकों भक्तों की समस्याओं को पर्चे पर लिखकर बालाजी महाराज को अर्जी लगा रहे थे। वे सबकी समस्याओं का समाधान बता रहे थे और पूरा दरबार बागेश्वर धाम के जयकारे से गूंज रहा था। इसी बीच एक अद्भुत घटना सामने आई। एक वृद्ध पिता अपनी शादीशुदा बेटी के साथ मंच पर बाबा के सामने आया और पूछने पर उन्होंने बताया कि वे मुंबई के रहने वाले हैं। लेकिन बाबा ने उन्हें बताया कि वे मुंबई के नहीं बल्कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तभी उन दोनों बाप बेटी ने कहा कि वे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और वे अब मीरा रोड मुंबई में रहते हैं। बागेश्वर बाबा बिना उनके कुछ कहे उनका वास्तविक पता जान गए थे और उनके इस चमत्कार को देख पूरा दरबार जयकारे से गूंज उठा। तभी बाबा ने पर्चे पर उनकी समस्याओं को लिखा और फिर जो सच्चाई सामने आई उसने स्वयं हनुमान जी को आमंत्रित कर दिया। स्वयं बागेश्वर बाबा भी स्वयं को रोक नहीं पाए और मंच पर बैठे दोनों बाप बेटी के साथ साथ पूरा बागेश्वर धाम दरबार हनुमान जी के उस अद्भुत चमत्कार का साक्षी बन गया। मंच पर मौजूद दोनों बाप बेटी हनुमान जी के परम भक्त थे और उनकी बागेश्वर धाम के प्रति बड़ी गहन श्रद्धा थी। जो पिता थे उन्होंने कई बार सपने में हनुमान जी और बागेश्वर बाबा का भी अनुभव किया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। उनके दामाद को शराब की लत थी। दामाद बेटी पर अत्याचार किया करता था तथा उनकी छोटी बेटी की प्रवृत्ति भी कुछ ठीक नहीं थी। वे अपनी पत्नी से भी परेशान थे। ये बात उनके बिना कहे बाबा ने पहले ही पर्चे पर लिख दिया और उनको कह सुनाया। अपनी समस्याओं को बाबा के मुख से सुन दोनों की आंखें आंसू से छल छला उठी और दोनों को रोता देख बाबा कुछ देर के लिए चुप हो गए। पूरा माहौल शांत हो गया। बाबा की आंखों में एक अलग ऊर्जा आ गई और उन्होंने हनुमान जी की तरह अपना मुंह फुला लिया। इस अद्भुत चमत्कार के सब गवाह बने। बागेश्वर बाबा पर आए हनुमान जी ने उन्हें सब कुशल मंगल होने का आशीर्वाद दिया और वे दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। पिता पुत्री दोनों हनुमान जी के परम भक्त थे। शायद इसीलिए हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया और उस दिन बड़े अद्भुत तरीके से
बालाजी महाराज को अर्जी लगी। हालांकि बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में इस प्रकार की अद्भुत घटनाएं घटती रहती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम एक अत्यंत पवित्र हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री बालाजी का एक बड़ा ही चमत्कारी मंदिर स्थित है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अर्जी लगाते हैं। कूपन के माध्यम से वहां के प्रसिद्ध बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उनकी अर्जी सुनते हैं तथा समाधान बताते हैं। दरबार में बाबा भक्तों की परेशानियों को स्वयं ही जान लेते हैं और उसे पर्चे पर लिखकर उसका समाधान बताते हैं। बाबा के इस चमत्कार को देखने और बालाजी महाराज के आशीर्वाद हेतु दूर दूर से भक्त बागेश्वर धाम आते हैं। बागेश्वर धाम भूत भवन महादेव एवं स्वयंभू श्री बालाजी सरकार की चमत्कारी जागृत स्थली है। जनमानस के बीच ऐसी धारणा है कि ये मंदिर चंदेल राजवंश कालीन सिद्धपीठ है। श्री बागेश्वर धाम के वर्तमान यूथ प्रमुख पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्री हनुमान जी के आदेश से समाज सेवा एवं सनातन धर्म के प्रचार का संकल्प लिया हुआ है। शास्त्री जी जनमानस में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात हैं तथा इनकी कथाएं टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरी जब नागपुर स्थित एक अंधविश्वास विरोधी संगठन ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को चुनौती दी। 26 वर्षीय बागेश्वर धाम बाबा यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी व्यक्ति द्वारा समस्या का उल्लेख किए बिना उसकी समस्या को समझ लेते हैं। वे अपने भक्तों की समस्याओं को एक पर्चे पर लिखकर उसका समाधान भी बताते हैं। विवाद शुरू होने के बाद से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके वीडियोस भी ट्विटर पर खूब वायरल हो रहे हैं। न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक में बाबा छाए हुए हैं। विवाद अधिक बढ़ने पर बाबा ने पुनः अपने दरबार में कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया और एक बार फिर से अपने उस पुराने चमत्कार को सबके सामने दोहराया। बागेश्वर धाम सरकार हमेशा अपने साथ एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। तो आपको श्री बागेश्वर धाम सरकार की ये चमत्कारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।